गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो अच्छा टॉपिक की बात कर रहे हैं वो फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 4 से है और वो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें बायस वाट के नियम के अनुप्रयोग और इन दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप का है उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे उसका सलूशन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बड़े कंपटीशन के लिए, जैसे नीट जे में भी ये क्वेश्चन इससे बनता है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पहले हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक चालक तार यू आकार का है, एक चालक तार यू आकार का है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक यू आकार का है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा जो है वो 10 एम्पियर की है। चालक के अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा सीधे भाग की लंबाई 8 है, तो अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ये रहा क्वेश्चन का नंबर। एक चालक तार यू आकार का है, चालक तार जो है वो यू आकार का है जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा सीधे भाग की लंबाई अनंत है, तो अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर हम उसका डायग्राम उसके हिसाब से बनाते हैं। चालक तार कैसा है, यू आकार का है। प्रवाहित धारा कितनी है, 10 एम्पियर की है। और अर्धवृत्ताकार भाग जो उस यू आकार में जो अर्धवृत्त के आकार का भाग है उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और सीधा वाला भाग जो है वो अनंत लंबाई का है, ठीक है। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसका चित्र देखिए कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिएगा ये रहा, ये यू है, यू बना हुआ है, पी क्यू आर एस, ये जो बना हुआ है यहाँ पर इस अर्धवृत्ताकार जो भाग पूरा इस प्रकार ना होगा है, ये अर्धवृत्ताकार इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 2×10^-2 मीटर। यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी होगी, आर ही होगी ना, ये भी दूरी कितनी होगी, आर ही होगी, ठीक। यू आकार का एक चालक तार है, इसमें प्रवाहित धारा, ये धारा प्रवाहित करती है I बराबर 10 एम्पियर, तो
ये धारा ऐसे इसमें भी जाएगी घर में जाएगी। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर जो PQ भाग है अनंत लंबाई का एक चालक तार है, PQ भाग जो है अनंत लंबाई का एक चालक तार है, QR भाग जो है वो अर्धवृत्त है, QR भाग जो है वो क्या है अर्धवृत्त है, और RS भाग फिर से क्या है अनंत लंबाई के क्रीज रेखी धारावाही चालक तार है। और ये आप लोगों को बता दें, यदि ये चालक तार की लंबाई अनंत है तो अनंत लंबाई के चालक के एक सिरे से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला होता है। यदि देखिए, यदि चालक की लंबाई अनंत है तो इसके एक सिरे से r दूरी पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर होता है μ/4πI/r, ये होता है। यदि इसकी लंबाई अनंत है तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होता है। और यदि ऐसा वृत्ताकार कोई है तो इसके लिए भी बराबर होता है μ/4π/2πI/r। तो जब ये अर्धवृत्ताकार है तो इसके लिए यहाँ पर तीव्रता जो होगी वो क्या होगी बी बराबर μ/4π/πI/r होगा। यदि अनंत लंबाई का चालक है तो उस चालक के एक सिरे से r दूरी पर तीव्रता का ये फार्मूला, और यदि वृत्ति कुंडली है तो केंद्र पर ये तीव्रता, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के केंद्र पर तीव्रता का ये फार्मूला। अब ये वाला चालक अनंत लंबाई का है तो r दूरी पर ये तीव्रता, ये वाला भाग भी अनंत लंबाई का है और उसके एक सिरे से r दूरी पर तीव्रता इतना ही वो भी होगा। तो यदि PQ के कारण तीव्रता ये रहा, QR के कारण तीव्रता ये रहा, और RS के कारण फिर से तीव्रता इतनी होगी। और ये सुनिए, ये रहा धारा की दिशा, ये धारा की दिशा है, ये बिंदु है तो तीव्रता बाहर की तरफ, ये रहा धारा की दिशा, ये बिंदु है तीव्रता बाहर की तरफ, ये है धारा की दिशा, ये बिंदु है तीव्रता बाहर की तरफ, यानी PQ के कारण तीव्रता, QR के कारण तीव्रता, RS के कारण तीव्रता, तीनों के कारण तीव्रता की दिशा समान है। और जब समान दिशा में तीव्रता है, सदिश राशियां हैं, तो इनका परिणामी लाने के लिए इन तीनों को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे, जो कामन होगा कामन ले लेंगे, कामन लेने के बाद I का मान 10 एम्पियर रख देंगे, R का मान जितना प्रश्न में दिया है 2×10⁻²⁰ मीटर वो रख देंगे, अभी 0.4π का मान 10⁻⁷ होता है, और मैं गणितीय नियम से हल कर देंगे आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये अर्धवृत्ताकार है, ये अनंत लंबाई के दो है, ठीक है ना। अब रही बात ये कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इस फार्मूला को अलग से आपको पढ़ने के लिए क्लास के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा भी जाता है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए डायरेक्ट आप फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम बिंदु को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PQ के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 μ/4πI/r, क्योंकि PQ अनंत लंबाई का है और अनंत लंबाई के चालक के एक सिरे से r दूरी पर तीव्रता का ये फार्मूला होता है, ठीक। फिर लिखेंगे QR के कारण बिंदु O पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 बराबर V0.4 पाई और ये पाई आई अपान आर, इसकी दिशा भी बाहर की तरफ, इसकी दिशा भी बाहर की तरफ, फिर आरएस के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V3 बराबर V0.4 पाई आई अपान आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बोल देना है B1, B2, B3 की दिशा समान है, B1, B2 और B3 की दिशा समान है, B1, B2, B3 की दिशा समान है। ये देखिए, ये नियम लगाएंगे, यदि ये धारा को बताए, ये बिंदु को बताए, तो ये तीव्रता होती है। यहाँ पर ये धारा, ये बिंदु को तो बाहर ही ऐसे हर बार, ठीक है ना। B1, B2 और B3 की दिशा समान है, तब बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, B1+B2+B3 μ0/4πIR μ0/4πIR कॉमन क्या होगा, μ0/4πIR कॉमन 1+π+1, तो μ0/4πIR और 2+π सबकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 10^-7, आई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 2×10^-2, और ये 2+π की वैल्यू 3.14 चलेगा, ये 2π जहाँ 5×10^, ये -5×, ये 5×14, ये 2.57×10^-4 टेसला, ये आंसर इतना हो गया, ठीक है ना। ये टेस्ला में आंसर है, इसी को यदि हम चाहें तो, इसी को चाहें तो गास में भी लिख सकते हैं, इसी को चाहें तो क्या हो सकता है, या B=2.57 गास, क्योंकि 10^-4 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, एक गास, 10^-4 टेस्ला, दिख ना रहा हो तो देख लो, सुन लो, 10^-4 टेस्ला इक्वल टू 1 गास, 10^-4 टेस्ला इक्वल टू 1 गास होता है, तो इसके जगह गास लिख दिया, ठीक है ना। ये रहा, समझ में आ ही गया।